हमारे जमाने में हीरो होते साहब लंबे चौड़े चौड़ी छाती, पृथ्वीराज कपूर, ऐसी मर्दानी आवाज, ऐसी आवाज में बोलते थे कि पर्दा भी हिलता था। जब डायलॉग मारते थे लंबे लंबे शहजादे सलीम, तो पर्दे से धूल निकलती थी। वो रौब होता था। हमारे जमाने के हीरो साहब राजेंद्र कुमार तलवार कट मुछे, प्रदीप कुमार मर्दाने हीरो, ये छाती में बाल रखते थे, घुंघराले बाल होते थे, बाल में कभी कॉकरोच फंस गया रास्ते ही नहीं मिल रहा उसको। उसमें शान की बात होती थी। आजकल के लौंडे जितने हीरो हैं सब सफा चट कराए हैं। अबे सफा चट यहाँ क्यों करा रहे हो, यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। आपको हंसाने आ रहे हैं इस कॉमेडी फिल्म के हीरो यानी राजू श्रीवास्तव। आज के हमारे शो के सबसे पहले फिल्मी कीड़े हैं सुनील ग्रोवर। सुनील आप हमारे शो में आए, बहुत मजा है, वहां बैठिए, भी बहुत सारे धमाल करते हैं। अच्छा दो तालियां। और आज के हमारे दूसरे गेस्ट यानी दूसरे फिल्मी कीड़े हैं गोविंदा गोविंदा गोविंदा। मुझे याद आता है वो आनंद का बाबू मोशाय, मुझे याद आता है वो नरक नमक हराम का वो सीन, वो दृश्य जब मैं काका के साथ काम करता था। हमारे बीच कितना भाईचारा था काका, न जाने किस हाल में होंगे काका। ए अमित, अरे मैं हमेशा तेरे पीछे था, हमेशा हूं हमेशा रहूंगा रे। काका काका आप कहाँ हैं काका? अरे ये हमारे काका। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। ओ जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर के जिंदगी के सफर में गुजर जाते हो। जो है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, यह बम्बई नगरी प्यार का गीत के पान बना जलते हैं, फूल खिलते हैं। काका किशोर कुमार के गाने आपने गा लिए, किशोर कुमार के गाने हमने गा लिए, अब गाने होंगे अपनी अपनी आवाज में। आ रंग बरस नर वाले रंग बरस मेरे अंगाने में, तुम्हारा क्या काम है? अरे चीटिंग है, अरे चीटिंग है ये। क्या हुआ भाई? तुमने तो प्लेबैक किया है। हाँ, और कई टाइम बैक में भी प्ले किया है। हाँ, किया है। लेकिन ना तो मैंने कोई गाना गाया ना गा सकता हूं, क्योंकि वो तुम्हारा काम है। मैं काका था, काका हूं और काका रहूंगा, तुम्हारी तरह पल पल अपने चेहरे बदलने वाला मैं नहीं हूं रे। अभी बहुत धमाल करनी है, तशरीफ रखें। मैं जल्दी बैठ जाता हूं। बातें फिल्मों की, फिल्मी दुनिया की बातें सुन रहे हैं आप। आज तक मेरे समझ में नहीं आया फिल्मों में जो गुंडे दिखाते हैं यानी विलेन दिखाते हैं उनके नाम खतरनाक क्यों रखते हैं? क्या उनके माँ बाप को बचपन से पता चल गया था कि बड़ा होके बहुत क्रिमिनल बनेगा, बड़ा गैंग चलाएगा? उनके नाम होते हैं गब्बर सिंह, शाकाल, जगीरा, डॉक्टर डैंग,
लॉयन, सुल्ताना, तो इनके माँ बाप ने क्या सोच के नाम रखा था कि बड़ा होकर खतरनाक आदमी बनेगा। अब आप सोचिए, ये गब्बर वगैरह जो छोटे छोटे रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, घर वाले कैसे बुलाते होंगे, गब्बर सुसु करो लेटो बिस्तर पे, चलो अली ली 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 अली ली 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 शकाल, शकाल की नाक बह रही है, फिलमाल से पोछ दो पोछ दो पोछ दो शकाल फुलन देवी माधुरी। और जो हीरो के नाम रखते हैं, हीरो के नाम अमित, विजय, आशीष, अच्छे नाम, क्या पैदा होते ही माँ बाप को मालूम था वो शरीफ बनेगा, अच्छी सी हीरोइन को लेके गार्डन में घूमेगा। एक चीज और आज तक समझ नहीं आई फिल्मों की, विलन, विलन गैंग के लोग गोली चला रहे हैं, हीरो भाग रहा है रोड पे, खेतों से भाग रहा है, गोलियां चल रही है, एक भी गोली हीरो के लगती नहीं है, सब यहाँ पैरों पे मिट्टी उड़ती है, धपाड़ धपाड़ धपाड़, वो ऐसे ऐसे भाग रहा होता है, धपाड़ धपाड़ धपाड़। और उसी जगह हीरो अगर खाली पलट के भी गोली मार देना यूं करके, अगला गया, यूं करके मार दिया, आदमी इधर जा रहा इधर मार दिया, ये गया विलन गया, हीरो ड्राइव करता हुआ जा रहा है, साइड का मिरर देख के यूं किया यूं मारा ढपा, कार पलटी, कमाल है। इतना अच्छा निशाना हमारे हीरो लोगों का है, सबसे ज्यादा हमारे रजनीकांत भाई साहब का। एक फिल्म में तो मैंने देखा कि बीच में दीवार है, ये दीवार के इधर है, जो गुंडा है वो दीवार के उस तरफ है, और दीवार बहुत ऊंची, मारे कैसे, तो इसने एक पिस्तौल, भरी हुई पिस्तौल ऐसे हवा में फेंक दिया इसे, और दूसरी पिस्तौल से उसके ट्रिगर मारा धपाक, वो मुड़ कैसे धपाक। मुझे तो लगता है अगर बीजिंग में ना ओलंपिक में ये रजनीकांत वगैरह अगर भेजे गए होते ना, ये लोग सोना ऐसे लाद के लाते थैले में। एक फिल्म में देखा रजनीकांत और हीरोइन, उनकी कोई हीरोइन थी, कोई होंगी एंड्रकड़ा गुंबा रिड कुड्डू पुड्डी चाम कुड्डू इल्डा, उनकी हीरोइनें सब खाते पीते घर की होती हैं। रजनीकांत उनकी हीरोइन झाड़ से बंधे हुए हैं, विलेन ने झाड़ से बांध दिया है बेचारे से बंधे हुए, लोगों की हालत खराब, विलेन ने बारूद डायनामाइट झाड़ से लेके ऐसे से बिछा रखा है पूरा, बहुत दूर आधा किलोमीटर दूर वहाँ से उसने यहाँ आग लगाई, अब आग आ रही है, नजदीक आ रही, थिएटर में सारे मद्रासियों की हालत खराब, सब धीरे धीरे टेंशन में लुंगी इसे कर लिया लोगों ने, भाग आ रही। इतने में रजनीकांत का एक फ्रेंड था एनिमल डॉग, कुत्ता फ्रेंड था, वो भागा, स्लो मोशन में कुत्ता आया, बारूद सुलगती सुलगती यहां आ रही थी, कुत्ते ने उसके बीच में जैसे यहां बारूद आई बीच में टांग उठाया, हीरो को बचा लिया। हॉल में जो तालियां हुई हैं, लोगों ने सिक्के फेंक दिए, कई लोगों ने तो लुंगी उतार दी, खुशी खुशी है अपने हीरो के लिए, खुशी देखिए लोग, जैसे हीरो हीरोइन बच गए यूं पर्दे फेंक दिया, रजनीकांत अरे क्या कर रहे हो तुम लोग। अच्छा लेकिन फिल्मों को लेके पता है सीधे साधे लोग क्या सोचते हैं, छोटे शहरों में गांवों में बहुत सारे लोग फिल्म के सीन को लेके बहुत टेंशन में, वो लोग रोज शाम को चौपाल पे पान की दुकान पे बहस होती फिल्मों को लेके। एक आए, भाई साहब एक बात पूछना था आपसे।
बोलिए। ये जो फिल्मों में मतलब दिखाते हैं इमरान हाशमी में सब जो है मतलब वो चुम्मा ले रहा है, चुम्मा चाटी जो चलता है, तो इसमें आपको नहीं नहीं मैंने सुना आप मतलब फिल्मों से आप आए हैं, मुंबई में रहते हैं। अच्छा अच्छा ये बताइए मतलब ये कौन माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी को कहते हैं जाओ चुम्मा दो जाके। और अच्छा ये बताइए जो फिल्म बनती हैं जितनी भी हीरोइंस हैं इनकी जो फिल्म लगती हैं चुम्मा चाटी की नहाने धोने की, ये जो नहाती हैं बाथरूम में, तो ये सब जो दिखाते हैं तो इन लड़कियों के माँ बाप भी तो देखते होंगे, ये कहीं ना कहीं से तो आई होंगी, कहीं ना कहीं इनका घर होगा, इनके पड़ोसी होंगे, इनके चाचा मामा अंकल वगैरह होंगे, तो कैसे मतलब इनकी मम्मी क्या कहती हैं कि जाओ बस शुरू हो जाओ। नहीं ऐसा नहीं है, जब हीरोइन आती है शुरू शुरू में तो पहले तो थोड़ा अवॉइड करती है, नहीं 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 मैं ये नहीं पहनूंगी टू पीस, नहीं 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 नो नो क्या बिकनी व्हाट 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 रबिश व्हाट यू मीन एक्सक्यूज मी मैन्यूअल लैंग्वेज ओके या बेटर अंडरस्टैंड ओके व्हाट अंडरस्टैंड, मैं फिल्म करने आई हूँ, काम करने आई हूँ, अपने जिस्म की नुमाइश करने नहीं आई, ओके या यू अंडरस्टैंड यू बेटर अंडरस्टैंड ओके रबिश व्हाट नॉनसेंस टॉकिंग प्रोड्यूसर्स। देखिए मैडम ये फिल्म बना रहे हैं हम अपने घर के लिए नहीं बना रहे हैं, अभी हमें रिलीज भी करनी है और पब्लिक को भी लाना है खींच के, पब्लिक व्हाट व्हाट यू मीन पब्लिक इन सीन देखने के लिए आती है, आप जैसी फिल्म दिखाएंगे, आपने खुद ऑडियंस को इस तरह से बनाया है, नो 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 वे एक्सक्यूज मी। उसके बाद धीरे धीरे इनको जो है पैसे मिलने लगते हैं, तो जो शूटिंग हो रही होती है जो मम्मी है वैसे सीन को जानबूझ के देख के भी अनजानी बन जाती है, अच्छा ये शॉट है, अच्छा अब काम में आए हैं तो भी इसमें शर्म हो थोड़ी होता है भाई, अब ये है कि अगर पब्लिक मतलब ज़रा सा दिखाया और पब्लिक खुश हो गई या थोड़ा सा इधर दिखाया तो लोग खुश हो जाते हैं। नहीं नहीं ठीक है भाई, अगले का इतना पैसा लगता है वो खर्चा करता, नहीं और क्या भाई, भाई जो पब्लिक को चाहिए वो तो देना ही पड़ता है और क्या, नहीं नहीं सही बात है, हाँ आपको जो जो सीन करना है कर लो, मैं तब तक मार्केटिंग करके आती हूँ। इन हीरोइनों के जो भाई हैं पहले तो बहुत गुस्सा आते हैं, बहन फिल्म फिल्म नहीं जाने क्या बोलूँ, हाँ कौन सी लगाया फालतू बात मत इधर सीधा बैठने अनाड़े का मैं कर फिल्म में काम करने का ये वो घर पे बैठ, मम्मी अच्छा लड़का दोगे उसको विदा करो इधर से, तो क्या हमारे फ्रेंड लोग क्या बोलेंगे अभी एरिया में रहने का कि नहीं रहने का बात करती है, हाँ तो क्या हो गया दूसरा काम नहीं किया तुमको फिल्म में काम करने, फिल्म में क्या होता है मुझे सब मालूम है, चल सीधे बैठ अब अच्छा कोई काम कर, ये सब नाटक हम लोग फैमिली में ये सब नहीं होता है, हमारे बाप दादा ने किया है क्या सब, डैडी ने किया डैडी के डैडी ने किया, सीधा अच्छे से रह ये सब मत कर, फ्रेंड लोग हैं मेरे सब एरिया में सब क्या बोलूँगा मैं, बात कर रही है पोर्टफोलियो दिखा रही है दिखा रही ऐसे ऐसे तो ऐसा ऐसा फोटो क्यों खिंचा के आई ऐसा करके। धीरे 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 प्रोड्यूसर ने इसको भी समझाया, शूटिंग जा रहा है वहाँ खा रहा है खाना खा रहा है चाइनीज खा रहा है थाई फूड खा रहा है थाई फूड बिरयानी बिरयानी खा रहा है, एसी रूम में बैठा है पैसे गिन रहा है बहन के, बाद में यही भाई उस लड़की के भाई खुद ही दोस्तों को बोलता है अरे मेरी बहन की पिक्चर आई देखा क्या क्या लगी मेरी बहन यार फिगर बनाया जीरो फिगर जीरो पूरा शेप में जिम जिम वगैरह जाती ना स्विमिंग वगैरह करती है आजकल अक्षय के साथ जाती ना जिम अक्षय लेके जाता है बस हाँ इमरान के साथ एरोबिक करने जाती है पावर योगा फरदीन लेके जाता शाम को पावर योगा करती बस देखो मेरी बहन और क्या
तू ये फिल्म देख, नहीं देखा तूने? अरे देख क्या हॉट लगी मेरी बहन, तू ना मेरी बहन को देख पागल हो गया कसम से, बॉस क्या लगी मेरी बहन यार, तो खाली मेरी बहन को देख बॉस तेरी हालत खराब हो जाएगी, मेरी बहन को देख भाई कसम से भाई, मैं तो भाई हूँ मैं नहीं देख सकता, तुम लोग देखो यार। थैंक यू। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम लाफ्टर मास्टर रतन नूरा उर्फ सुनील पाल। अभी कल रात की बात है, जितनी फिल्में बन रही, कोई मैथोलॉजिकल फिल्में बन रही है, हिस्टोरिकल फिल्में बन रही है, पीरियड फिल्में बन रही है, इन सब से जैसे भगत सिंह, अशोका, इतनी सारी फिल्में बन रही, जोधा अकबर, मुगले आजम, इन सब के जो मेन कैरेक्टर है वो कितने परेशान होते होंगे, क्योंकि एक्टर तो निभा के निकल जाता है, उनकी हरकतों से या उनकी किसी चीज़ की वजह से कितने परेशान होते होंगे। सुबह की बात है, अभी मुझे रतन नूरा मिल गए, रतन नूरा मिल गए, बड़े दुखी थे बेचारे। सुनील यहाँ, अबे यहाँ, फ्लॉप घटिया पीरियड फिल्म, इधर आ। मैंने कहा क्या बात, क्या हो, क्या गया, मामला क्या है? देखो क्या क्या हो रहा है, भगत सिंह जी मेरे सपने में आ गए, कहने लगे ये कौन सी फिल्म है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, कभी वो शहीद बना रहे हैं, किसी में दिखा रहे हैं कि मेरी शादी होने वाली है, किसी में मेरी शादी की बात चल रही है, ऐसी हिस्ट्री बता रहे हैं मेरी जो मुझे खुद ही पता नहीं। अच्छा अभी जो अकबर, जोधा अकबर, पहले अकबर मुगले आजम आई थी, अभी आ गई है जोधा अकबर, ऐसी फिल्में और भी आएगी, 14 अकबर, 15 अकबर, 16 अकबर, सब अकबर, कितनी अकबर आएगी सब आपको अखबार में पता चल जाएगा। उसमें ऋतिक रोशन, वो क्या, उनसे भी रतन नूरा परेशान है। अब बताओ, एक ऐसा अकबर, एक ऐसा, मुझे आज तक पता नहीं चला कि मुगले आजम के बाद अकबर को कब मलेरिया हुआ था, एकदम कड़काड़ा कुड़काड़ा। मैं कहा रतन भाई मैं बताऊँ, इस पिक्चर को देख के वाकई मेरे पड़ोस में भी एक अकबर भाई रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, खाली अकबर है तो अपने को बादशाह समझता है वो आदमी, नाम अकबर है, नाम का फर्क देखिए, नाम अकबर है तो अपने आप को बादशाह समझता है, और उनका एक बेटा है उसका नाम गलती से सलीम है, वो अपने आप को शहजादा सलीम समझता है, और दोनों बाप बेटों में दोनों अपने निकम्मेपन का झगड़ा चलते रहता है, दोनों बाप बेटे निकम्मेपन में झगड़ा करते रहते हैं, रोज़ कहते हैं अभी पहले तो बेटा जो है सलीम वो शुरू हो जाता है अपने बाप को कोसने लगता है, अजीबो गरीब शहंशाह सिर्फ नाम का हमेशा हाथ अपना फैलाता रहे, कहती है मेरी अम्मा ये है निकम्मा, देखने बहू गया कर आया उसे अम्मा, मर अब्बा तू मर अब्बा, कचरे का तू है डब्बा, मर अब्बा तू मर अब्बा, मर अब्बा तू मर अब्बा। अब इस बात के लिए फिर भी अकबर भाई अपने आप को संभालते हैं, कहने को बेटा हमारा है पर ये पड़ोसी का प्यारा है, अकल ही नहीं शक्ल भी इसकी भलती है, पता नहीं ये मेरी कौन सी गलती है, खुद को समझे शहजादा बटला हाइट में है आधा, आज शाम तलक ये पिटेगा मेरा है वादा। अबे तू अपनी ही बताता रहेगा या मेरी भी सुनेगा, पृथ्वीराज चौहान भी आए थे सपने में, कहने लगे हमारे नाम से 6 फिल्म लॉन्च हुई है, अनाउंसमेंट होता है, कोई अनाउंसर होता है बेचारा, वो अनाउंसमेंट करके निकल जाता है, फिल्म नहीं बनी, हम पे सिर्फ सीरियल बना पृथ्वीराज चौहान, और एक बचकुंडे से हमारा काम करवा लिया, वो बचकुंडा इतना फेमस हो गया कि उसको बड़ा होने ही नहीं देते। अब ये जो एकता बहन जी है, इसने भी कौन सा नया सीरियल शुरू किया है, हर आदमी 3 बार श्राप दे रहा है,
हर आदमी 3 बार बाण चला रहा है, हर आदमी 3 बार एंट्री कर रहा है, कौन सा सीरियल है? कहानी हमारे महाभारत की, महाभारत। इसको महाभारत शुरू करने की क्या जरूरत है? ये तो ऑलरेडी शुरू कर चुकी थी घर घर में, इसकी वजह से तो घर घर में महाभारत शुरू हो गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आ रहे हैं हमारे राजेश श्रीवास्तव। हमारे हिंदुस्तान में छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ आज भी सिंगल स्क्रीन थिएटर है। बड़े बड़े शहरों में तो क्या मल्टीप्लेक्स ये वो सब आ गया है, वहाँ जो थिएटर हैं उनके नाम है सरस्वती टॉकीज, गोवर्धन टॉकीज, नवरंग सिनेमा, मंजूश्री टॉकीज, राजश्री सिनेमा। बड़े शहरों में जो मल्टीप्लेक्स थिएटर आए हैं उनके नाम है सिनेमैक्स, आईमैक्स, सिटी मैक्स, रे मल्टीप्लेक्स। ऐसा लगता है मेडिकल स्टोर में फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा, छोटे शहरों में एक शो होता था मॉर्निंग में, मॉर्निंग शो, सुबह 9 से 12, वो बड़ा गड़बड़ थिएटर होती थी, गड़बड़ फिल्में भी लगती थी। बाहर लगा देंगे पोस्टर, पेटीकोट में हलचल, अंदर फिल्म कुछ और ही दिखाते थे। अंदर जो फिल्म चल रही है खाली ऑडियंस के रिएक्शन उससे में देखिए। बस बस इंटरवल कर दो, इंटरवल कर दो। छोटे शहरों के थिएटर में 5 रुपए का मिलता है भुट्टा, वही भुट्टा जब मल्टीप्लेक्स थिएटर में आ जाता है तो हो जाता है पॉपकॉर्न। वो 5 रुपए का मिलता है या मिलता है 50 रुपए का? पहले लोग लाइन में लग के टिकट लेते थे, टिकट खरीदना उत्सव की तरह होता था, फेस्टिवल। अब तो लोग ऑनलाइन ले लेते हैं, घर में टिकट आ जाती, वो मज़ा नहीं। याद कीजिए पहले स्कूल बंक करके लोग जाते थे, कॉलेज बंक करके थिएटर जाते थे, लाइन में लगे, सबसे सस्ती वाली टिकट, लाइन में लगे, लग रहे हैं ना, हाँ लगे हैं, पप्पू निकलना नहीं, नहीं नहीं हम लगे हैं, यार गुड्डू यार हम सांस नहीं ले पा रहे, क्या हो? अरे आगे बड़ा आदमी खड़ा है यार, ये भैया हो, भैया कोट हटाओ, सांस निकलने। और जो दूसरा दोस्त है पूरी लाइन में ऐसे घूमता रहता, लग रहे हैं अभी खुली नहीं है, खिड़की खुली नहीं है, लग रहे हैं हिलना नहीं, अभी खुली नहीं खिड़की, लग रही ना, तुम भी तो लगो यार। इतने में किसी ने बोला विंडो खुल गई, खुल गई, हट जा, बंद बोला, नहीं खुली, ऐसे ही कोई बोला है। अरे फिर जब विंडो खुलती थी तो जिसमें लाइन लगी वो नहीं खुलती थी, बाजू वाली खुलती। सिंगल स्क्रीन थिएटर में एक नुकसान है, जिसकी टिकट ली आपने वही देख रहे हो। मल्टीप्लेक्स में एक टिकट लो, हर दरवाजे में झांक के देखो, इसमें कौन सी चल रही है? धूम, ये एक सेकेंड यार, इसमें कौन सी है? देवदास। तो ऐसा करें पप्पू, इंटरवल तक देख लो धूम, फिर जब ये समोसा लेने आएंगे तो अपन देख लेंगे सरकार राज, सरकार देखिए। कुछ लोग इतना जल्दी में होते हैं या उन्होंने सोचा आज फिल्म देखना है तो देखना है, जो खिड़की खुली है पोस्टर भी नहीं देखे, फिल्म का नाम भी नहीं पूछते, वो कहते हैं अगर नाम पता चल जाएगा तो हम क्या कर लेंगे। तो वो जैसे हैं वैसे ही, और घर में जैसे बैठे तो वैसे चले आते हैं, ऐसे लेटे आराम से बैठेगा, जाए पिक्चर देखा है, जिस हाल में थे वैसे ही आ गए, पैजामे में आ जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं। और बाहर पोस्टर में उनको मालूम है कुछ भी लिखा होगा गलत सलत, लहंगे में धूमधाम कुछ भी, वो अंदर आए। अब अंदर जब पिक्चर चल रही है तो दूसरे डिस्टर्ब करेंगे, ये कौन सी फिल्म है ये जो चल रही है, कौन सी है?
अंग्रेजी अंग्रेजी। अच्छा तो नाम तो होगा, अब अंग्रेजी का हम हिंदी में कैसे नाम बताएं? मुझे क्या नाम है कोई पूछेगा तो क्या बताएं? अबे पप्पू इधर बैठो साला, नाम पूछ रहा, हमें भी नहीं पता यार। ये वो लोग हैं, अजय स्टोरी कैसे बताते हैं, इनको कुछ मालूम तो है नहीं इंग्लिश फिल्म में किसका क्या नाम है, बता रहे हैं स्टोरी। अरे कल पिक्चर देखा, अच्छा था, मस्त है, अच्छा है, टाइम पास है, मस्त दिखा रहे। कौन सा? अच्छा है रे, अच्छा नाम है, टाइम पास है पूरा। कौन हीरो? हीरो मतलब पहले नहीं था, एक फिल्म देखा था अपन ने, वही सेम सेम हीरो है। अपन नहीं गए थे नायगांव, वो हीरो देखा था, सेम हीरो है। अरे तो ये मतलब कहानी वगैरह, मतलब कहानी का दिखाया? ऐसा मस्त है रे, ऐसा कुछ नहीं, मस्त है क्या, बॉडी वॉडी दिखाया मस्त है। हीरो मतलब हीरो बोलेंगे तो 6 फुट हैंडसम, विलेन बोलेंगे तो 7 फुट जास्ती हैंडसम। अरे क्या है सब हैंडसम लोग का गर्दी रे। हीरोइन ऐसा मस्त दिखा, हीरोइन बोले तो अपन दादर में देखो देखा था, गए बरस पाउस चालू था, जब भी वो थिएटर नहीं है दादर में जिसके वो देखो पिलर खंबे ऐसे बने ऐसे, कहानी में क्या रहता है वो उसको लाइन मारते हैं तो उसका वो छोकरी रहता है उसको मतलब उतना समझा मैं वो हिसाब से, तो छोकरी रहती है तो उसका मतलब अफेयर रहते है इससे अफेयर, तो पहले वाला जो रहते हैं वो क्या बोलते हैं भाई मेरी चाबी है ऐसा, मेरी चाबी तो ऐसा कैसा उसका, तो वो हिसाब से उसका दिखाया मतलब बोले तो एकदम मस्त है, अच्छा दिखाया है, देखता टाइम मिलेगा वापस जाएगा। थैंक यू। इस फिल्मी सफर को जारी रखते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले गेस्ट को, सुनील ग्रोवर। फिल्में बनना बंद हो जाएं तो ये सारे एक्टर्स क्या करेंगे? कोई वॉचमैन बन जाएगा, कोई पान बीड़ी की शॉप खोल लेगा, कोई फेरी लगाने लगेगा, कोई कहीं सेल्स मैनेजर बन जाएगा या कहीं किसी की नौकरी लग जाएगी। इसी तरह इरफान खान साहब की फायर ब्रिगेड में नौकरी लग गई, तो वहाँ उनकी ड्यूटी थी फायरमैन की भर्ती के लिए इंटरव्यू लेने की, तो वो इंटरव्यू ले रहे थे तो सबसे पहले जो कैंडिडेट आए उनके पास, एक्सक्यूज मी यहाँ फायर ब्रिगेड के इंटरव्यू चल रहे हैं क्या? हाँ। अरे भाई इतना डिटेल में पता करके आए हो तो यहीं चल रहे होंगे, कहीं और तो चल नहीं रहे होंगे हैं? एक बात बताओ कि कहीं आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू? मैं फूंक मारूंगा और आग बुझ जाएगी। अरे भैया तुम्हारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है क्या? मेरे हर जगह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये फालतू में बदबू जो है वो फैलाना बंद करो, यहाँ बहुत ईमानदारी का काम हो रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं। ये बताओ कि कहीं आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? वेल सबसे पहले मैं उस जगह पे जाऊँगा जहाँ आग लगी है, वहाँ देखूँगा कि आग माचिस से लगी है, सिलेंडर से लगी है, शॉर्ट सर्किट हुआ है या कमोलिका ने लगाई है। उसके बाद मैं कुछ करूँगा उसके बाद। अरे भाई तब तक तो लोग जल के खाक हो जाएंगे और तुम्हारी यहाँ पे CBI में इंटरव्यू नहीं हो रही है जो तुम वहाँ पता करोगे, समझे? यहाँ फायर ब्रिगेड की भर्ती हो रही है, तुम ये बताओ कि तुम आग बुझाओगे कि नहीं बुझाओगे? और मैं बुझाऊंगा आग, लेकिन मैं वही आग बुझाता हूँ जो मैंने खुद लगाई हो। देखिए मैं आग बुझाने के लिए तैयार हूँ, मेरी बात सुनिए, लेकिन मुझे 4 साल लगेंगे रिसर्च करने में। यस तो ठीक है, 4 साल बाद आना, ओके जाओ, समझो, वेरी गुड। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट कैंडिडेट आ जाओ भाई, नेक्स्ट कौन है? अरे ये कौन लोग आ गए? क्या नाम क्या तुम्हारा? राजू।
राजू बन गया जेंटलमैन। अरे भैया यहाँ जेंटलमैन नहीं, यहाँ फायरमैन की भर्ती हो रही है। तुम ये बताओ कि कहीं आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? आग लग चुकी है हाँ, तो फिर मेरा क्या काम? हाँ हाँ भाई, तुम्हारा काम तो आग लगाने का है, मान लिया मान लिया, लेकिन यहाँ पे आग से बचाने का काम है, समझे? आग लगी तुम क्या करोगे? मैं हंस के दिखा दोगे? ओके ओके, अगर सबको बचाना है तो मैं उस आग में कूद जाऊंगा। मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा कहीं भी आग लगे तो उसमें कूद जाना। अगर कूद जाओगे तो खुद ही जल जाओगे। यस यस, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसका मतलब मेरी माँ झूठ कहा करती थी, तुमने मुझसे झूठ कहा माँ माँ। लो मैं करते आए थे, मामा करते चले गए। भैया फोन ले गया, आ जाओ भाई। यह मैं आग बुझाऊंगा नहीं। हाँ बेटा, और तुम्हारे बस की बात भी नहीं है, तुम आग नहीं बुझाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम बच्चे हो अभी, बहुत बड़ा होने। मेरे पापा ने मुझे आग बुझाने के लिए नहीं कहा है ना। तो क्या कहा है तुम्हारे पापा ने? मेरे पापा ने तो ये कहा है कि मैं आपको बता दूं कि आपके घर में आग लग गई, आप पहुंचो। थैंक यू वेरी मच। फिल्मी दुनिया की और फिल्मी बातें लेके आ रहे हैं फिर से एक बार, नन अदर देन राजू श्रीवास्तव। हमारे यहाँ आपके घर पे भी दादा काका नाना नानी होंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे बुजुर्ग वो कहते हैं कि उनके टाइम पे जो कुछ होता था वो अच्छा होता था, आजकल जो कुछ हो रहा है सब लोग करप्ट हैं, सब गलत हो रहा है। एक बुजुर्ग बोल रहे हैं, साहब फिल्में होती थी हमारे ज़माने में, हा। मुगले आजम मुझे याद है, जब सिनेमा हॉल में देख रहा था ऐसा लग रहा था ये घोड़े हाथी पर्दे से निकल मेरी छाती में आ जाए, ऐसा जीवन चित्रण होता था। हमारे ज़माने में हीरो होते साहब लंबे चौड़े, चौड़ी छाती, पृथ्वीराज कपूर, ऐसी मर्दानी आवाज़, ऐसी आवाज़ में बोलते थे कि पर्दा भी हिलता था। जब डायलॉग मारते थे लंबे लंबे, शहजादे सलीम, तो पर्दे से धूल निकलती थी। वो रौब होता था। हमारे ज़माने के हीरो साहब राजेंद्र कुमार तलवार कट मूछें, प्रदीप कुमार मर्दाने हीरो, ये छाती में बाल रखते थे, घुंघराले बाल होते थे, बाल में कभी कॉकरोच फंस गया रास्ते ही नहीं मिल रहा उसको। उसमें शान की बात होती थी। आजकल के लौंडे जितने हीरो हैं सब सफा चट कराए हैं। अबे सफा चट यहाँ क्यों करा रहे हो, यहाँ एयरपोर्ट बनेगा कि लट्टू नचाओ? उस जमाने के हीरो होते थे साहब, हा। राजेंद्र कुमार, क्या उनका स्टाइल था, गाना गाते थे पैर से पैर जोड़ के, तुम कमसिन हो तुम नादा। अब उस समय उनके विरोधियों ने उड़ा दिया कि इनकी पैंट फटी होगी या पैंट की सिलाई खुली होगी, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो जेलस उस जमाने में भी चलता था। उस जमाने की हीरोइन बेटा सुलोचना, सर्वधर्म संभाव, 38 38 38 चल के आती थी तो ऐसा लगता था ड्रम आ रहा है, और बैठ गई तो समझो पानी का मटका रखा है। उस जमाने में हीरोइन को खुद ही गाने गाने पड़ते थे। एक हीरोइन थी देविका रानी, अब झाड़ की डाली पकड़ ली, गाना झाड़ के नीचे ख़त्म।
हिलती नहीं थी, ऐसा लगता था डायरेक्टर ने इसके पैर में कीले ठोके हैं। खबरदार अगर अपनी जगह से हिली। आजकल तो गोविंदा ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, और इधर पलटे तो बैंकॉक, इधर पलटे तो स्विट्जरलैंड, और इधर पलटे तो पहुंच गए बिहार। अब जो बच्चे दादाजी की लंबी लंबी सुन रहे थे, वो बच्चे बुजुर्ग हो गए। अब वो बच्चे खुद ऐसी महफिल लगा के वो भी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं। वो बोले, भाई वो फिल्में अलग हुआ करती थी, आजकल ऐसी फिल्में का। हाँ हाँ हाँ, उस जमाने में संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, आर डी वर्मन का गाना मुझे आज तक याद है, बड़ा मशहूर हुआ था ये गाना, पिया तू अब तो आ जा। अब जो बेवकूफ थे वो समझते थे गाना है, और जो समझदार थे उन्होंने इससे दमे का इलाज कर लिया। भाई हाँ, रामदेव तो अभी आए हैं, ये आर डी वर्मन तो बहुत पहले कपाल भाती करा के चले गए। हाँ हाँ, अब उनकी लंबी लंबी जो बच्चे सुन रहे थे वो बुजुर्ग हो गए। अब वो गार्डन में सब बुड्ढों को बिठा के लंबी लंबी फेंक रहे हैं। हेलो ठन्ना साहब, ओ गुप्ता जी, अरे झूठ नहीं बोलता हूँ, कसम से एक बात बोलता हूँ, हम लोग तो जमाने में त्या हीरो होते थे यार, तुषार कपूर, दीनो मोरिया, आफ्ताब सिद्धसानी, उपेंद्र पटेल, जॉन इब्राहिम, ऐसे हीरो होते थे यार, जिनकी फिल्म तीन तीन दिन तक लगी रहती थी। जमाने त्या बड़ी बड़ी फिल्में आती थी यार, साहित्यिक फिल्में आती थी, त्या तूल हम, मेरे बाप पहले आप, सिंह इज तीन, अच्छे 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 तुम्हार तरते तो ही था, त्या ताम तरते थे यार, हम लोग तो टाइम पे हीरोइन थी, बताओ उसको अच्छा रखते, गरीबों के ताम आती है, मलिता शेरावत इतनी उसूल वाली थी, एक आदमी बता देवे उसने तभी भी टू पीस से तम पहना हुए, ऐसी सिस्टमेटिक थी। भगवान अच्छा रथे, ये संदीप तार था, उसको भारत रत्न मिला था, भारत रत्न अन्नू मलिक, क्या दाना बनाता था बॉस, ऊंची बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, बोलो। उसी टाइम पे एक तो दादा साहब फालते अवार्ड मिला था, एक गायत था दायत, दाना दादा था ऐसा करते, उसको भारत दादा साहब फालते मिला था, क्यों तो तू पहला दायत था जो नाच से जाता था नाच से। अभी अभी मेरे तो ही बोला है कि हैदराबाद में जो म्यूजियम है, म्यूजियम उसके अंदर उसकी नाच तो रथ है संग्रहालय में, उसको देखने के लिए 5 रुपए देते थे। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड बाय, सी यू देन, कीप स्माइलिंग। सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।